हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग है हमारा, मैंने सोचा आज चलो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। आज ईद का दूसरा दिन था तो मैंने सोचा चलो बच्चों को हम थोड़ा सा आउटिंग पे ले चलते हैं। बच्चे काफ़ी बोर हो रहे थे तो हमने सोचा चलो बच्चों को आउटिंग पे ले चलते हैं। तो मेरे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो पिकअवेयर, तो मेरे पास तो ऑप्शन था पिकअवेयर का, सो वो तो है ओशियन में। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे नियरेस्ट जो यूनिवर्सिटी रोड पर वाई नॉट वहाँ चले जाते हैं, वहाँ विज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अपने बच्चों को ले आई, काफ़ी ढूंढ डांड के काफ़ी मिला हमें यहाँ पे। सो मैंने सोचा बच्चों को पिकअवेयर ले जाऊँ। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और हमारा फर्स्ट विज़िट था यहाँ पे। सो ये जो है ना काफ़ी एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मतलब आप इसकी खुशी देख सकते हैं कि बहुत एक्साइटेड थी बेचारी। तो हमने यहाँ जैसे हम यहाँ पहुँचे तो चार्जेस थे आई गेस जो 700 है वो है 45 मिनट्स के, और जो 900 हैं वो जो है ना 90 मिनट्स के लिए हैं ड्यूरेशन उसका है। सो ये यहाँ हम लोग जो है ना, इनका जो एरिया था पिकअवेयर का वो डाउन स्टेयर था। सो यहाँ ये देख सकते हैं आप जो है ना पवेलियन जो अलादीन के साथ था तो वो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो पिकअप, तो ये जो है ना डाउनस्टेयर हम पहुँच चुके हैं और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। सो ये है इनके शू रैक, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। ईद की वजह से काफ़ी क्राउडेड था, सो इट्स ओके, बच्चों के लिए इतना करना पड़ता है। यहाँ हमने अपने शूज़ वगैरह रखे, सो शी वाज एक्साइटेड, क्वाइट एक्साइटेड। सो हम जो है ना ईद का, एक्चुअली में ईद बच्चों की होती ही यही है कि बच्चे जो है ना उनको यही चीज़ें चाहिए, कि बच्चे काफ़ी बोर हो जाते हैं ईद के दिनों में। तो ये अच्छा ऑप्शन था। वैसे ओशन मॉल जो है ना वो तो थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, ये अच्छा है उन्होंने अपनी यहाँ पर जो है ना लेकिन से फ्रेंचाइज या फिर कह दो उन्होंने यहाँ पर ओपन कर लिया। स्पेस काफ़ी कम है, जो ओशन मॉल है उसका एरिया काफ़ी बड़ा है। ये थोड़ा सा है कंजेस्टेड है, बट इट्स ओके, जो है ना बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये तो हाथ ही नहीं आ रही थी, बस इसको यहाँ छोड़ दो और बस यहाँ इसमें काफ़ी अपनी फ्रेंड्स भी बना रही थी माशाल्लाह। इसमें एक अपनी फ्रेंड बना ली थी और ये बस उसके ही साथ लगी थी। Why are you sitting? Googly googly wash. अच्छा ऐसे तक बोर हो जाते हैं जो है ना बॉलिंग खेल वगैरह देख के, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है ना यहाँ बहुत अच्छा था। आप ज़रूर जाएँ, ज़रूर विज़िट करें। यहाँ बड़े बच्चों के लिए भी गेम थे, उनके चार्जेज आगे 800 पर बना। आपको डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स थे लाइक गेमिंग हो गई, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जिम भी अवेलेबल है। और अब जितने जितना ट्रैफिक होता है, जिस तरह बाहर निकलते हैं और जिस तरह पेट्रोल महंगा है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें जितना करीब जगह मिले बच्चों के लिए हम वहाँ अपने बच्चों को ले चलें। Thank you.
और ऐसी जगहों से बच्चों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बच्चे तो मतलब निकलने का नाम ही नहीं। ऐसी जगहें प्ले या इंडोर जो गेम्स होते हैं, यहाँ बच्चों को ले जाओ और बस बच्चों को छोड़ दो, फिर भूल जाओ उनको निकालना वहाँ से। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को निकालना। सीम वो बेचारी वहाँ की जो स्टाफ मेंबर थी बेचारी चीख चीख के उसका गला के बस टाइम इज़ ओवर, टाइम इज़ ओवर। पर ये है कि निकलने का नाम ही नहीं है। और इशाल की सबसे फेवरेट जगह है ये, इसका बेस्ट पार्ट है यहाँ पे। यहाँ लाइक आप लोग आके जो है ना बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ ये जो है ना टाइम ओवर हो गया था तो हम सोचा ट्रस्टी कि बस के इतना उछल कूद करने के बाद था कि भाई अब प्यास तो लगनी ही है ना। लेट्स गो, क्या हिम्मत जवाब दे रही इसकी भी। हाँ इसको हमने पानी पिलाया। प्लान तो कैफ़े जाने का था बट जिस तरह ईद का दूसरा दिन फिर इतना क्राउड बाहर और ट्रैफिक जगह जगह पे ट्रैफिक, कराची जो है ना कराची जैसा मेगा सिटी वहाँ तो आपको छोटे छोटे स्पॉट्स पे ज़रूर आपको ट्रैफिक मिलेगा। सो वी डिसाइडेड टू, ये देखें ये है इसका गेमिंग जोन और लुक दिस। बहुत ही अच्छा। और ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे जो इनका था योगा स्टीम सुहाना और जिम, नहीं ये भी जिम भी है यहाँ पर, स्टीम सुहाना योगा वगैरह सब है। चल कम लेट्स गो। रीजनेबल था 600 6000 सॉरी। अच्छा यहाँ का एक और बेस्ट पार्ट कि आप बाहर जैसे आप निकलते हैं यहाँ है एक कैफेटेरिया, कैफे है छोटा सा, बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन माहौल। एंड ये कह रही थी यहाँ बैठ जाते तो हम नहीं बैठे, तो हमने सोचा चलो प्लान तो हमारा था कैफे जाने का तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था तो वी डिसाइडेड टू गो तंदूरे। ये भी एज यूजल ट्रैफिक से बचने के लिए सो हम यहाँ पर आ गए। बच्चों ने पिज़्ज़ा एंड बर्गर ऑर्डर किया। सो या बताने का मकसद ये कि ये जो हम जो है ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कैफे कैफे वगैरह जो होते हैं इनके चक्कर में जो है ना ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट हम कहते हैं नहीं ये इसका खाना सस्ता होता है नहीं कैसा होगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट तंदूरी का खाना बहुत मज़े का, हाइजीन प्लस रीजनेबल बजट फ्रेंडली। और यहाँ इस मोहतरमा को वहाँ गर्मी लग रही थी, यहाँ गर्मी हुई ठंड लग रही है मम्मा बहुत ठंड लग रही है। और यहाँ इन्होंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा बर्गर दिखाओ क्या है आपका सॉरी ब्रोस्ट और मेरा था बर्गर। सो हमने कहा चलो काफ़ी करीब भी है तो ट्रैफिक से भी बच जाएंगे और काफ़ी थके हुए भी थे तो हमने सोचा बस यहाँ से हम करेंगे डिनर और घर पे चलेंगे। बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे तो हम यहाँ पर डिनर के लिए सो मस्ट ट्राई दिस प्लेस तंदूरे। बहुत मज़े की जगह है यार, बहुत मज़े की जगह है। और बात करेंगे इनके टेस्ट की, लाइक बच्चों को मुँह में नहीं होता है कि स्पाइसी नहीं पसंद। इनका जो पेपरोनी पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। इसकी जो प्राइस है जस्ट आई गेस जो रेगुलर पिज़्ज़ा है जस्ट 600 का, बहुत ही अमीर था। That's it all.
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ईशान का चैनल. दिस वन इज ट्राई. इसको बड़ा शौक है. इसको प्ले बटन मिल जाए तो शी थॉट. तो मैंने इसको समझाया कि प्ले बटन ऐसे नहीं मिलता, आपको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. सो वी नीड योर सपोर्ट. डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हर चैनल. और वन मोर थिंग, प्लीज़ 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 दूसरों के खुशियों में खुश रहा करें. क्रिटिसाइज मत किया करें. कोई प्रोफेशनल नहीं होता, सब सीख रहे होते हैं. ईद मुबारक टू एवरीवन.